ठंड का प्रकोप अब बढ़ने लगा है। दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 दिन तक न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तो ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ठंड में तो ठंड ही लगती है, लेकिन आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो ये बात कहते हैं कि उन्हें औरों से ज्यादा ठंड लग रही है या लगती है, और ऐसा सच में भी होता है। इसीलिए अगर आपको भी ज्यादा ठंड लगती है तो आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिससे आप अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। तेल से शरीर की मालिश। ज्यादातर लोग सर्दियों में नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाते हैं क्योंकि इससे त्वचा में नमी बनी रहती है, लेकिन अगर आपको ठंड ज्यादा लगती है तो आप मॉइस्चराइजर के बजाय गर्म तेल से बॉडी की मालिश करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर में गर्माहट पैदा होती है। हाथ पैर की मसाज आप दिन में 2 बार भी करवा सकते हैं। बॉडी वार्मर। ठंड से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है बॉडी वार्मर। बॉडी वार्मर पहनने के बाद आप 1-2 कपड़े बाहर से पहन सकते हैं। इससे आपको ठंड कम लगेगी और शरीर की गर्माहट बनी रहेगी। वॉक और एक्सरसाइज। ठंड में हर दिन वॉक या एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे शरीर गर्म रहता है। वहीं जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर के मसल्स एक्टिवेट होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे शरीर में गर्मी पैदा होती है। ड्राई फ्रूट। सर्दियों में खानपान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप शरीर को गर्म रखना चाहते हैं तो इस मौसम में ड्राई फ्रूट का सेवन करें या इनसे बने लड्डू खाएं। बादाम, अखरोट, छुहारे और मूंगफली आदि शरीर को गर्म रखने में मददगार है। गर्म कपड़े। ठंड में ऐसे कपड़े खरीदें जो शरीर को ठंड से बचाएं और बॉडी को अंदर से गर्म रखें, जैसे ऊनी बनियान या स्वेटर और मोजे इस मौसम के लिए खरीद सकते हैं।